नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्प टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नॉन टेक्निकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने नीति आयोग को लागू किया है, इसे किस संवैधानिक निकाय के बदले प्रतिस्थापित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने नीति आयोग को लागू किया है, इसे किस संवैधानिक निकाय के बदले प्रतिस्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग की। राइट आंसर क्या होगा, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन दे रखा, शूटर विजय कुमार को पद्मश्री पुरस्कार किस साल दिया गया था। शूटर विजय कुमार को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में। कब दिया गया था, 2013 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा ऋण योजना के तहत उधार गारंटी फंड की ऋण राशि की ऊपरी सीमा क्या पुनः निर्दिष्ट की गई है। कितनी राशि पुनः निर्दिष्ट की गई है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, 7.5 लाख, 7.5 लाख राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वैश्विक शहरीकरण में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित के प्रोत्साहन हेतु प्रतिवर्ष देश को संयुक्त राष्ट्र विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, क्या होगा, 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमान अली बंगास निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं। अमान अली बंगास है वो निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद से। किससे जुड़े हुए हैं, सरोद से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं है। इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है, आर्गन, क्रिप्टन, नियोन या बोरोन। तो कौन सी गैस नोबेल नहीं है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोरोन, राइट आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चिपको आंदोलन डैश की रोकथाम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। किसकी रोकथाम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है, पेड़ों को काटने, भूमि की हानि, भूमि में बाढ़ या पानी की बर्बादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेड़ों को काटने से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित तीन नदियों में से कौन सी नदी की पारस्परिक क्रीड़ा ऊपरी मैदान के गठन हेतु उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तीन नदियों में से कौन सी नदी की पारस्परिक क्रीड़ा ऊपरी मैदान के गठन हेतु उत्तरदायी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी, राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी, राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे, संभाजी भोसले, छत्रपति शिवाजी, बालाजी बाजीराव या बाजीराव फर्स्ट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक थे, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है। भारतीय संविधान है उसकी किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में, राइट आंसर क्या होगा, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, 1967 में 21वीं संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। 21वें संशोधन में भारतीय संविधान के भाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। ऑप्शन दे रखा है, बोडो, मैथिली, संथाली या सिंधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने घोषणा की है कि 17 अक्टूबर 2019 को सीरिया के साथ संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, टर्की के साथ, राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, नवंबर 1919 में। कब हुई थी? नवंबर 1919 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2019 में भारत में बंधक प्रतिभूतिकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के लिए किसके तहत एक समिति का गठन किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के तहत एक समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित होगी? संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित होगी, अर्थात एससी व एसटी के लिए सीट आरक्षित होगी, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 डी, अनुच्छेद 243 डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सितंबर 2019 में नेपाल में आयोजित फाइनल में बांग्लादेश को हरा कर अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने। राइट आंसर क्या होगा? भारत ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन। राइट आंसर क्या होगा? अमेजन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? निम्नलिखित में से भारत कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शोएब अख्तर को दिया गया उपनाम क्या है? जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है शोएब अख्तर, उनको उपनाम क्या दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल पिंडी एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया है? राहुल पिंडी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल भंडार उड़ीसा में स्थित है? इनमें से कौन सा जीव मंडल भंडार उड़ीसा में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। राइट आंसर क्या होगा? सिमलीपाल जीव मंडल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1936 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ में आयोजित 1936 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 18वां निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2019 कहां पर आयोजित किया गया था? 18वां निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2019 कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजरबैजान। कहां? आजरबैजान में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अक्टूबर 2019 में वित्तीय सुरक्षा पर देश द्वारा उठाए गए नए उपायों के बाद वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की ग्रे लिस्ट से किस देश को हटा दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2019 में वित्तीय सुरक्षा पर देश द्वारा उठाए गए नए उपायों के बाद वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की ग्रे लिस्ट से किस देश को हटा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम या उत्तराखंड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दे रखा है शरद, अरविंद बोबड़े, अरुण कुमार मिश्रा, आर भानुमति या ए वी रमना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबड़े को। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
श्रद्धे अरविंद बोबड़े को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।